यस गुड मॉर्निंग पेंसी लिसन बेटा आप करदा प्यार कर रहे सी ठीक है और असी लेखक बारे 15 क्वेश्चंस किए सी ठीक है थानू सिलेबस वगैरह मैं सारा दस दिता सीगा कि अपडेट हो चुका है क्लियर है ओदे विच किन्ने चैप्टर आने ने सब कुछ थानू दस दिता है शेयर कर दिता है थोड़े नाल ग्रुप विच ठीक है पंजाबी दा सिलेबस और लिसन बेटा जिन्होंने अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली है अपनी कॉपी भी मैनू सेंड करो और एक इंपॉर्टेंट गल सुन लो जिहड़े तुसी प्रोजेक्ट वर्क किया है ना प्रोगी ते बनावटी जीवन ते एक जफरनामा इकांगी दा सार एक हफ्ते दे विच विच तुसी अपना कंप्लीट करना है जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया और मैनू सबमिट करवाना है हाँ जी हॉलीडे होमवर्क वो थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क है ना वो थोड़े मार्क्स लगने हैं ना करवाया दीपांश टाइम बेटा इन्ना इन्ना टाइम सी अटेंसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिन्होंने हाले तक नहीं करवाया वो सबमिट करवाओ बच्चे थोड़े वो मार्क्स लगने ने ठीक है अपनी फाइल अपने को संभाल के रखो वो फाइल इधर उधर ना सुटो मैं थोड़ा पहला भी कहा सीगा हरेक अपनी चीज़ अपनी PT1 के एग्जाम सब कुछ अपने को संभाल के रखो ठीक है सो उस दिन आप कर रहे थे बेटा लेखक बारे 15 क्वेश्चन किए थे ठीक है थोड़े रह गए थे दीपांश है ना जिन्हें रह गए थे बेटा मैं वीडियो अपलोड की हुई है मंडे की तुम उतो देख सकते हो राइट सो अज आप करा घर का प्यार दे देखो थोड़ा एक वाक प्रश्न उत्तर मैं सेंड किए हुए ने MCQs बनाए ने ठीक है सो अज आप MCQs करा अपनी फेयर नोटबुक हमेशा अपने को रखनी है बेटा ठीक है वो ते ही तुसी ये सारी असाइनमेंट करनी है हम थोड़ी असाइनमेंट्स स्टार्ट ने और कल आप अंडिठी काप टुकड़ी की असाइनमेंट करांगे ठीक है या एक अगर टाइम मिले तो अं मुहावरे कर लवेंगे राइट सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहला तो घर का प्यार का सार मैं थोड़ा कहा सीगा कि मैं थोड़े को सुनागी घर का प्यार का सार सार वैसे आना नहीं है बट थानू MCQs आने ने तो थानू पता होना चाहिए है सार दे विच लिखिया की होया है हार्दिक पता है घर का प्यार का सार भाविक सार पता सुनाओ उच्ची बोलियो ताकि इन्हों भी सुने जिन्ना खांदा थानू चार पांच लाइना का दीपांश पढ़ के तो हर कोई सुना देगा हाँ जी एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स करदा प्यार दा सार एनीवन सार आप बहुत पहला तो किया होया है ठीक है ये है कि है लेखक ने घर के प्यार बारे गल की है नहीं आता तो सुन लो ठीक है सुन लो कि लेखक जड़ा है प्रिंसीपल तेजा सिंह उन्हें की किया है घर के प्यार चैप्टर उन्हें घर की प्यार की महत्ता दसिया है उन्हें पहला कहा है कि घर जड़ा है वह इट्टा रोड़िया के बने देखो हूँ जिस तरह सारा इट्टा रोड़िया का बनया होया ठीक है असं सिर्फ इन्हों एक कमरा कह सकते पर जो तक उस कमरे में तुसी नहीं है वो एक क्लास नहीं बन सकती नहीं बन सकती ना इस तरह ही घर जोड़ा है वह इट्टा रोड़े का बनया हुआ पर जो कोई मैंबर ही नहीं रहा तो उन्होंने आप घर थोड़ी कहोंगे वो तो एक सुनसान जगह होगी ठीक है वह कहता है कि घर उदा है जिथे मनुख के प्यार दियाँ सदर पलदिया हैं ठीक है मनुख उन्होंने परिवार के आपस में बॉन्डिंग होंगी है उन्होंने स्ट्रोंग रिलेशनशिप होंगे जिदा थोड़े मदर फादर के नाल है हार्दिक सुन लो तुसी पहला नहीं सुनिया ठीक है फिर उस तो बाद विच बच्चे वो कहंदे हैं कि मनुख का जिहड़ा आचरण है आचरण किनू कहंदे आ करैक्टर गुड जिहड़ा मनुख का करैक्टर है वह भी घर तो ही डिवेलप हुंदा तुसी पहला छोटे सी ठीक है थोड़े मम्मा पापा ने तुहानू सिखाया होगा कि तुसी कोई चंगे काम करने ने है ना हर एक की हैल्प करनी है थोड़े विचों इनबिल्ट ने मतलब तुसी ऑलरेडी सीखे सिखाए हो है ना तुहानू अपने फादर मदर नू देख देख के या होर वड्डियां नू देख देख के तुहाडे विच उदां दे गुण आ गए हुए ने ठीक है हम तुम किसी की हेल्प करोगे है ना सच बोलोगे ठीक है जो कि अजकल थोड़ा घट हों जा रहा है दीपांश है ना सच सच तो सच ही है चाहे जिदा मर्जी बोलो ठीक है ना और देखो उस तो बाद उन्होंने दो तीन एग्जाम्पल्स दिखाई सी पहला उन्होंने लिते से एक बिरध बीबी की बिरध बीबी की जिहड़ी नेचर से उन्होंने सुभाव से बहुत ज्यादा खरमा से खरमा कि कहते हैं आपस में कोई प्यार नहीं सी क्यों क्योंकि उन्होंने बच्चे नहीं सन मतलब इतने ये गल की गई है कि घर का प्यार जोड़ा है वह फैमिली के नाल ही बनता है तो जे फैमिली नहीं हैगी तो फिर बंदे घर के प्यार का एहसास नहीं होंगे
ठीक है। उस तो बाद विच उन्होंने कुछ अः इदा दे महापुरशां दीआं जीवनियां दे हवाले लए हन जिहड़े कहिंदे हन कि उन्हां ओ महापुरश जिहड़े सी उन्हां नूं घर दा प्यार नहीं मिलिया इस करके घर दे प्यार तों सखणे ने। हुण देखो साधु संत ने की करदे ने गृहस्थी जीवन त्याग दिंदे ने ठीक है ते जंगलां विच चल जांदे ने या कल्ले रहना पसंद करदे ने पर उन्हां नूं इक घर दा प्यार नहीं मिलदा ठीक है। चाहे वह परमात्मा ने जुड़े हुए ने पर अंदरों दी वो नहीं जुड़े हुए ठीक है। सो उस तो बाद विच उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का हवाला दिता कि श्री गुरु नानक देव जी हुण श्री गुरु नानक देव जी भी गुरु जी सन उन्होंने अपने घरदिआं नूं छड्डिआ नहीं छड्डिआ ठीक है ना। उन्होंने घर विच रह के ही परमात्मा की भगती की उन्हों का हवाला दिता है। फिर उन्होंने दिता है कारलाइल का हवाला आ रहा थोड़ा बहुत याद कि नहीं आ रहा। कारलाइल का हवाला दिता कारलाइल की जिहड़ी पत्नी सी खदीजा वो उन्हां दी काफ़ी वधिया तरीके नाल सेवा करदी सी ते कारलाइल जिहड़ा सी वह भी औखे सौखे समय उन्हां दी हैल्प करदे सन। फिर एक कारलाइल जिहड़ा सी मुहम्मद साहब की पत्नी सी खदीजा ठीक है सॉरी मुहम्मद साहब की पत्नी जिहड़ी सी उन्हां दा साथ दिंदी सी खदीजा। कारलाइल की पत्नी जिहड़ी सीगी वह साथ दिंदी सी पर कारलाइल का सुभाव बहुत ज़्यादा सड़ू जिहा सीगा खिजू जिहा सी अपनी पत्नी नूं ज़्यादा पसंद नहीं सी करदा हमेशा कल्ला ही लिखदा रहिंदा सी। पर कहिंदे कि उहदियां रचनावां विच भी वह गल नहीं आ सकती क्यों क्योंकि उन्हों अपने घर के फैमिली मैंबरस नाल है ही नहीं सी प्यार ठीक है। मतलब जे अपने फैमिली मैंबर नाल प्यार होएगा तां ही तुसीं हुण मान लो जे तुहानूं तुसीं घर विच रहिंदे हो तुहाडे नाल बिहेव इदां दा कीता जावे ठीक है तुहानूं बॉन्डिंग ना होवे तुहाडे घर दे नाल कोई रिलेशन तुहाडा मतलब कि मम्मी पापा दे नाल इन्ना अच्छा ना होवे तो तुम घर के बाहर भी तो खिज खिज के ही बोलोगे ना नैचुरली गल है ना ठीक है। इसे तरह ही कार्लर जिहड़ा इन्ना लिखारी सी वड्डा वह भी की करता सीगा अपनी पत्नी के नाल कोई चंगा व्यवहार नहीं सी करता पर इनिया लिखता लिखन का की फायदा जे वो खुद के घर में प्यार नहीं है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दतिया सीगियाँ बोर्डिंग स्कूल हूँ कई बच्चे ने बोर्डिंग स्कूलों में चल जाते हैं अपने मम्मी पापा तो बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं ठीक है ना। तो उन्हां विच कदी वो सदाचार उन्हां नूं नहीं पता कि आपां किसे नाल किद्दां गल करनी है क्योंकि बोर्डिंग विच तुहानूं पता ही है सुनिया ही होएगा तुसीं हर किसे अपना अपना ही हुंदा उत्थे अपना खाना खाओ बस अपने रूम च चले जाओ ठीक है। उस तो बाद विच उन्हां ने उन्हां दा हवाला दिता है कि जिहड़े होटल या क्लबां विच रहिंदे ने अपनी फैमिली नूं छड्ड के अजकल की है चल की रहा अजकल लोकी पैसा कमांदे ने पैसा कमाण करके अपनी फैमिली तो दूर चल जाते हैं ठीक है। बट वो ना अपने पिछले फैमिली दे नाल इन टच विच नहीं रहिंदे ठीक है वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती। इस तरह ही लेखक ने कहा है कि जे साडे कोल घर का प्यार होएगा तो असी समाज दे नाल ते देश नाल प्यार कर सकांगे। तो लेखक दे पिंड का नाम की सी अडियाला ठीक है। अडियाले दे विच ओहो रहिंदा सी ते ओनू क्योंकि अपने पिंड नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान दे नाल भी बहुत ज़्यादा प्यार सी ठीक है। ये इस चैप्टर विच दस्या होया है। हुण बेटा अपनी फेयर कॉपी निकालो राइट वन वर्ड वैसे तुहानू मैं सेंड किए हुए थे एक बार उन्होंने भी गो थ्रू हो जाओ चाहे तुहानू वन वर्ड आने नहीं हन तुहानू सिर्फ इस बारे MCQs ही आएंगे हार्दिक ठीक है क्लीयर है MCQs ही आएंगे। बट जे तुहानू डीपली आंसर पता होंगे तो ही तुसीं टिक कर सकोगे ना आपां उत्थे गैस थोड़ी लाने हैं ठीक है। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन मनुख दा आचरण किथे बनता है फेयर कॉपी ते ही नाल नाल कर लो ठीक है और नाल नाल ही अपनी फेयर कॉपी मैनू सेंड कर दिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन मनुख दा आचरण किथे बनता है ऑप्शन वन ठीक है जी ऑप्शन वन घर विच नो डाउट बेटा तुसी ये क्वेश्चंस किते हुए ने आपां डिस्कस भी किते हुए ने ठीक है बट MCQs दी फॉर्म्स करने ने। सेकंड लिख लो ऑप्शन स्कूल विच थर्ड लिख लो समाज फोर्थ लिख लो आले दुआले विच। सो राइट आंसर भाविक घर ठीक है राइट मनुख का आचरण कितने बनता है घर विच आचरण मतलब उदा बिहेवियर ठीक है सदाचार। सेकंड लिखो बच्चे हो गया
सेकंड क्वेश्चन, लेखक जद किसे सज्जन नू, लेखक जद किसे सज्जन नू कोजे, लेखक जद किसे सज्जन नू कोजे, सड़ियल सुभा दा देखदा है, लेखक कौन है, प्रिंसिपल तेजा सिंह, ठीक है। लेखक जद किसे सज्जन नू कोजे या सड़ियल सुभा विच देखदा है ता ओह उस बारे की सोचदा है, ता ओह उस बारे की सोचदा है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन उसनु घर दा प्यार नहीं मिलिया, फर्स्ट ऑप्शन उसनु घर दा प्यार नहीं मिलिया। हुण तुसीं इहदे विच दसना है कि जिहड़ा बंदा खिजू या सड़िया सुभा दा है उहनूं किहड़ी चीज़ प्राप्त नहीं हुई, घर दा प्यार नहीं मिलिया, घर नाल कोई सांझ नहीं है, सांझ की हुंदा है, सांझ की हुंदा है हरदेख, सांझ मिलके रहना, ठीक है। आगे लिख लो घर तो दूर होण करके, दोबारा बोला, पहला लिख लो उसनू घर दा प्यार नहीं मिलिया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड घर नाल कोई सांझ नहीं है, थर्ड घर तो दूर होण करके, फोर्थ परिवार नाल प्यार नहीं। सो इंसान जड़ा है वो किद्दां खिजू या सड़ियल बंदा है, ऑप्शन विचों दी केड़ी ऑप्शन सही होएगी, ठीक है जी, उसनू घर दा प्यार नहीं मिलिया, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, खिजू या सड़ियल सुभा दा है क्योंकि उसनू घर दा प्यार मिलिया ही नहीं। हो गए दो क्वेश्चन, हो गए बेटा, डन, हार्दिक नागपाल डन, थर्ड लिखो, इहदे विच ऑप्शंस ना लिखो, ठीक है, क्योंकि जिथे जिथे ऑप्शन सेम होंगे मैं थोड़ा ऑप्शन नहीं लिखवावांगी, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, किन्हां दी जिंदगी रस तो खाली ते कोरी जही हुंदी है, किन्हां दी जिंदगी रस, रस मतलब प्यार, रस तो खाली ते कोरी जही हुंदी है, किन्हां दी जिंदगी हुंदी है, किन्हां दी जिंदगी विच प्यार नहीं हुंदा, खालीपन हुंदा है, दीपांश, ठीक है जी, जिन्हां नूं घर दा प्यार नहीं मिलदा उन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है वह रस तो खाली या प्यार तो सखनी हुंदी है। सिर्फ आंसर लिख लो बेटा इहदा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड दियां ही सेम हो सकदियां ने। नेक्स्ट, सिख गुरुआं ने किस जीवन ते जोर दिता है, सिख गुरुआं ने किस जीवन ते जोर दिता है, किस जीवन ते दिता है, ऑप्शंस लिखो बच्चे, निजी जीवन, निजी मतलब उदा पर्सनल, निजी जीवन ते, घरोगी जीवन ते, समाजिक जीवन या कोई भी नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किस पे ज्यादा जोर दिता गया है, निजी, घरोगी, समाजिक या कोई भी नहीं, ठीक है। हाँ जी हिमानी, घरोगी जीवन पे, ठीक है, घरोगी जीवन पे, गुड, राइट। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, किस दे प्यार तो समाज ते देश दा प्यार पैदा हुंदा है, किस दे प्यार तो समाज अते देश दा प्यार पैदा हुंदा है, ठीक है, गुड। हां जी मेहुल, मैम घर दे प्यार तो, ठीक है, घर दे प्यार तो, बच्चे तुसीं इहनूं अगर वन वर्ड लिखना चाहते हो वन वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो, ऑप्शंस तो तुहानूं पता ही है जिहड़ियां मर्जी आंदियां रहिणगियां, ठीक है, मतलब मैं ऑप्शंस नाल नाल बोली जा रही हां, बट तुसीं राइट आंसर लिख लियो, ठीक है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਡਨ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਕਸਥ, ਲਿਖੋ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਿਕਸਥ ਲਿਖੋ ਬੱਚੇ, ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਧਰਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਘਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਾਂਸ਼, ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੈਮ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਤਵਾਂ, ਘਰ ਕਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ? ਘਰ ਕਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ? ਘਰ ਕਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਬਲਬਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਬਲਬਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਲੀਨ, ਨਿੱਜੀ ਬਲਬਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਬਲਬਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਰਾਈਟ, ਡਨ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਏਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕਿਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ, ਪਤਨੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਤਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਭਾਵਿਸ਼? ਭਾਵਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਲੀਨ ਮੈਮ, ਪਤਨੀ ਨੇ। ਪਤਨੀ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਖਦੀਜਾ। ਖਦੀਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਨਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਾਰਲਾਈਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਵਤੀਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਓ ਨਾ, ਜਸਟ ਲਿਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਲਾਈਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਥੇ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਸ਼ ਸਾਨੀ ਮੈਮ, ਘਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਦਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੌ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ, ਬਿਰਧ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਰਧ, ਬਿਰਧ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਬਿਰਧ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ, ਮਿੱਠਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਖਰਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਿਤ,
मैम खरवा। ठीक है खरवा, खरवा मतलब की हुंदा रशिद? ओके खरवा मतलब की हुंदा? रुखा रुखा जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एनू लिख लो बेटा ए, क्योंकि थोड़े वन वर्ड असाइनमेंट विच नहीं सी। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने किस नू, गुरु नानक देव जी ने किस नू अपने घर दियां दा हाल चाल पुछण लई भेजिया? गुरु नानक देव जी ने किस नू अपने घर दियां दा हाल चाल जानण लई पुछिया? ऑप्शंस लिख लो। पहली अपनी भैन नू, दूसरी पिता नू, तीसरी माता जी नू, चौथी भाई मरदाने नू। किस नू भेजिया? दीपांश हाँ जी ठीक है, यस शिवांश। मैम भाई मरदाने। ठीक है भाई मरदाने जी नू भेजिया सी उन्होंने। इनू ए वाला क्वेश्चन बच्चे लिख लो क्योंकि ये तुसी नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट भी लिख लो, नेक्स्ट भी तुसी नहीं लिखा। ठीक है, लोकां विच किहड़े गुण घट रहे हन? लोकां विच किहड़े गुण घट रहे हन? किहड़े गुण घट रहे हन? ऑप्शन आर मिठत ते निम्रता दे, सेकेंड पैसा कमाउन दे, थर्ड अपनत्व दे, फोर्थ इकल्ले रहन दे। लोकां विच केड़े गुण कट रहे हैं? ठीक है हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट केड़े गुण कटदे पे ने लोकां विच? हाँ जी प्रशांत। मिठत ते निम्रता दे। ठीक है, मिठत ते निम्रता दे गुण उन्हां विच कट रहे हैं। इत्थे बच्चे वैसे अपनत्व भी आ सकता है अपने पांदे, पर चैप्टर दे अकॉर्डिंगली यह वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ये भी किथे रहन नाल, किथे रहन नाल विद्यार्थियों विच, किथे रहन नाल विद्यार्थियों विच सदाचारी दे गुण घट रहे हन? सदाचारी दे गुण घट रहे हन मतलब उन्हां विच कोई नैतिक वैल्यूज, नैतिक कदरां कीमतां जिहड़ियां ओह घट गईआं हन। ऑप्शनस आर घरां विच, क्लबां विच, बोर्डिंग या स्कूलां विच। यस अमृतपाल। बोर्डिंग विच। ठीक है बोर्डिंग विच, राइट बोर्डिंग विच ना र पायो। अच्छा जिस तरह हम देखो, एक है कि तुसी कह रहे हो कि एमसीक्यूज आने ने स्पेलिंग तुहानू लर्न नहीं करने पैणगे, ठीक है, पर कई बारी इहदे विच तां नहीं, पर जिस तरह मुहावरे वगैरह हन उहदे विच तां स्पेलिंग अगे पिछे तां हो सकदे ना, उत्थे तुसी स्पेलिंग दा ध्यान रखना है। ठीक है इहदे विच तां ईजी है, बस तुहानू चैप्टर थोरली पता होना चाहीदा है चैप्टर च है की है, बाकी ऑप्शन वगैरह जिथों मर्जी आ जाए, क्वेश्चन जिथों मर्जी आ जाए। ठीक है पेपर 40 मार्क्स का, मैं थोड़ा दसिया कि पेपर थोड़ा 40 मार्क्स का होएगा, और जिहड़ा
ਟਰਮ 1 ਹੈ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀ 1 ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 7th 8th ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਥੋੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਾਂਸ਼ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰਮ 1 50 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸੌਖਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 17-18 ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹਾਂਜੀ ਹਿਮਾਨੀ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਜਸਲੀਨ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਕਤੂਬਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 80 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਪੀਟੀ 2 ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪੀਟੀ 1 ਪੀਟੀ 2 ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਓਕੇ ਜਸਲੀਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 50 ਮਾਰਕਸ ਟਰਮ 1 52 ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ 2 ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ ਲੇਖਕ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਲੇਖਕ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਖਕ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਓਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋਰੋਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਨ ਵਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਵਨ ਵਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਓ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ, ਟੈਨ ਸੀ, ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਨੋ, ਜਸਲੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਸਲੀਨ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਰਿਸ਼ਿਤ ਹੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? यस मैम, मैंने पूछना था जो अभी दिसंबर में एग्जाम्स होने हैं वो एमसीक्यूज में आने हैं? जेड़ा बच्चे नवंबर दिसंबर में, हां जी, वो एमसीक्यूज आने नहीं, ठीक है मैम? वो कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स का बच्चे वो थोड़ा टेस्ट होएगा, पता नहीं, मैं कह नहीं सकती हले कि जेड़े हार्दिक पूछ रहा है कि जेड़े स्कूल होने हैं, स्कूल दे बारे बेटा हले मेनू इतना नहीं पता, वो जदों थानू दस दिता जाएगा, ठीक है, बट जो थोड़े नवंबर दिसंबर में होंगे वो एमसीक्यूज ही होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होएगा, ठीक है।